Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें wifistudy channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें academy पे follow कर सकते हैं. गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम टू wifistudy चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. तो गाइज ये आपका RPF का और ALP CBT-2 का पूरा ये क्लासेस होंगे. एंड जो भी जितना थोड़ा बहुत डाउट CBT-2 वाले बच्चों को हो रहा था कि आपका स्टैटिक वाला पार्ट में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन में से स्टैटिक पार्ट आपका आता है, लेकिन RPF वालों के लिए और CBT-2 के लिए इतना तो कन्फर्म है ही आपको कि साइंस जो है वो तो आपको पूरी आई रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है वो पूरा का पूरा आपको पूछा जाता है. नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज और अच्छे से याद करेगा आप लोग कि जो RPF वाले बच्चे हैं उनको 16 से 18 क्वेश्चन, एंड अकॉर्डिंग टू मी इस बार जो है वो साइंस के क्वेश्चंस का नंबर जो है वो बढ़ेगा. हर एक एग्जाम में प्लस हुआ है साइंस के क्वेश्चन, तो अगर 50 आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 18 के आसपास आपके ना साइंस के क्वेश्चन होंगे, प्लस माइनस 2 करके तो ऑलवेज रहते हैं आपका वैल्यू. तो मिनिमम 18 क्वेश्चन आपके यहाँ पे. थोड़ा सा आपको याद रखना है कि क्वेश्चन जो है आपकी 4-5 क्लासेस इसके लिए टोटल जाने वाले हैं, मतलब कि आज का कल का और ये पूरा हफ्ता जो है. सीक्वेंस मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपका सीक्वेंस क्या रहेगा. आज मंडे को आपका फिजिक्स का क्लास यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ट्यूसडे को वील डू द केमिस्ट्री, मतलब कल जो है वो केमिस्ट्री अपन पढ़ने वाले हैं, वेडनेसडे को बायोलॉजी वाला कोर्स जो है उसको कंप्लीट करेंगे, थर्सडे को आपका पूरा यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे अप्रोक्सीमेटली 50-50 क्वेश्चन कंप्लीट करके ना आपका दोनों दिन जो है ना वो साइंस रहेगा, ठीक है. और स्पेसिफिकली फ्राइडे को जो है वो आपका टेस्ट रहने वाला है, तो तकरीबन 200 क्वेश्चन आप साइंस के कंप्लीट कर लोगे. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको थोड़ा सा बाद में टाइम रहेगा तो अपन रिवाइज कर लेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम फोकस ये रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करो. राइट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स के लिए यहाँ पे बात करेंगे अगर, राइट, अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि फिजिक्स में आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उसमें से एक तो आपका लाइट वाला चैप्टर, राइट, लाइट वाले चैप्टर में से आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन, ये सारी चीजें जो है ना वो पूछी जाएंगी आपको यहाँ पे, ठीक है. लाइट से रिलेटेड पूरा अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ये सारी चीजें आती हैं उसमें. दूसरा चैप्टर आपको लाइट के बाद साउंड याद रखना है, ठीक है. साउंड से रिलेटेड डेसिबल उसकी यूनिट होती है और उससे रिलेटेड कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जैसे बैट जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन सकता है, फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, हर्ट्ज कितना चलता है, यूनिट क्या होती है, किसके ऊपर साउंड डिपेंड करती है, तापमान के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करती है, और ये सारी चीजें, राइट. नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है. अगर फिजिक्स के आपको तकरीबन जो है वो 8 या 9 क्वेश्चन आएंगे तो करीब करीब आपके 3 क्वेश्चन जो है ना वो सीधा सीधा इलेक्ट्रिसिटी और उसकी यूनिट से रिलेटेड आएंगे. तो ये इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाला चैप्टर जो है उसके ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, राइट. इलेक्ट्रिसिटी के बाद न्यूटन के लॉज को लेके क्वेश्चन आएंगे, न्यूटन्स लॉ, मोशन, फोर्स, ग्रेविटी, एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया. तो ये जो जितने भी आपको क्वेश्चंस फिजिक्स की क्लास में मिलेंगे ना उसमें आपका यही ध्यान रखिएगा कि ज्यादा ज्यादा जो है वो ये सारे टॉपिक जो है वो कवर किए जाए, ठीक है. लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूटन के लॉ या लॉ ऑफ मोशन करके बोल सकते हैं,
और ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। तो क्वेश्चन के बेसिस पे पूरा पार्ट करते हैं, जहां पे भी आपको क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा या टॉपिक में दिक्कत रहेगा तो मैं उसको थोड़ा सा वहां पे डिटेल में कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। बाकी फिजिक्स में नैनो, डेको, ये सारी चीजें आपको यूनिट्स पूछी जाती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, पास्कल किसकी यूनिट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री वाई आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। मार्कर जो है ना, ये वाला पार्ट तो दिख रहा है ना, मैं वापस बोल देती हूँ। लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोशन के ऊपर आपके क्वेश्चन जो है ना वो ज्यादा रहने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, ओके राइट, पहला क्वेश्चन देखिए। ओम्स लॉ इज वैलिड इन केस ऑफ, ओम का जो नियम होता है वो किस संदर्भ में मान होता है, सेमीकंडक्टर्स, क्या ओम का नियम किस संदर्भ में मान्य है, अर्धचालक, चालक, अतिचालक या अवरोध। मिलेंगे, ठीक है, फिर हिस्ट्री के भी मिलेंगे आपको, हिस्ट्री के इनफैक्ट आज या कल में आपके अपलोड हो जाएंगे, हिस्ट्री के और प्लस ज्योग्राफी के भी 100 क्वेश्चंस, ठीक है, वो पूरा मिला के बोला था मैंने आपको, तो 200 क्वेश्चन आप टेंशन मत लो। देखो आप प्लीज, मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, इनफैक्ट आज या कल में ही मिल जाएंगे, ओके। देखिए यहाँ पे अगर ओम्स लॉ की बात करते हैं तो सबसे पहले ओम्स लॉ है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का ही आपका पहला क्वेश्चन। साइमन ओम ने ओम्स का पूरा नियम दिया था, ओम्स लॉ या ओम्स का सिद्धांत हम इसको बोलते हैं यहाँ पे। करेक्ट आंसर जो है ना वो आपका यहाँ पे कंडक्टर होगा, पहले ही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आपका कंडक्टर या फिर चालक जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। देखिए ओम्स लॉ ने एग्जैक्टली ये किया था कि वेलोसिटी के बीच में या पोटेंशियल, सॉरी वोल्टेज के बीच में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या विभांतर का जो रिलेशन होता है करंट के साथ, उसको एस्टैब्लिश किया था, राइट। विभांतर का, वोल्टेज का रिलेशन करंट के साथ क्या रहता है ये एक्सप्लेन किया था। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोलते हैं कि साइन को, कांस्टेंट के साइन को हटा के हमने उसको चेंज किया तो उसको रेजिस्टेंस या फिर आर से हमने कन्वर्ट किया। नाउ रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके का तार जो है इस्तेमाल किया जा रहा है या किस तरीके की चीज इस्तेमाल की जा रही है, कंडक्टर इस्तेमाल किया जा रहा है, अर्धचालक इस्तेमाल किया जा रहा है, सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर। इंसुलेटर होगा तो वो करंट को पास ही नहीं होने देगा, मतलब आई को पास ही नहीं होने देगा। दूसरा अगर सेमीकंडक्टर या अर्धचालक होंगे तो वो भी करंट को थोड़ा थोड़ा ही पास होने देगा, लेकिन कंडक्टर्स जो होते हैं, जो चालक होते हैं, वो करंट को या विद्युत धारा को आराम से पास होने देता है। तो ओम का जो नियम है, ओम्स लॉ जो है वो किसके ऊपर वैलिड होगा, कंडक्टर्स के ऊपर वैलिड होगा। फॉर्मूला समझ आ गया है यहाँ पे सबको, V इज इक्वल टू आर इंटू आई। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जहां पे आपको R की वैल्यू या I की वैल्यू या V की वैल्यू, किसी भी दो चीजों की वैल्यू दी रही होती है, तीसरी चीज की वैल्यू आपको पूछी होती है, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए सिंपल आप। V इज इक्वल टू, मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू R रेजिस्टेंस इंटू I करंट, तो प्रतिरोध इंटू में विद्युत धारा, ठीक है। डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, सॉरी कंडक्टर जो है वो करेक्ट आंसर है। साउंड की प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, साउंड सबको दिखाई सुनाई दे रहा है ना, यहाँ पे आवाज में कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है ना आवाज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इज द ऑर्डर ऑफ, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य किस कोटि की होती है। एक्सरे को जब मेजर किया जाता है, ठीक है, इनकी एक्सरे जो होती है उनकी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ को मेजर किया जाता है, तो आपकी जो पूरी कैलकुलेट होती है वो एमएम के हिसाब से होती है, सेंटीमीटर के हिसाब से होती है, माइक्रोन के हिसाब से होती है या एंगस्ट्रॉम के हिसाब से होती है। इको हो रहा है साउंड, सही है, साउंड ठीक आ रहा है ना, कोई इतना दिक्कत नहीं है, आई गेस यू कैन लाइक लिसन दिस साउंड, है ना। देखो आप, देखो मैसेज है उनका, वॉल्यूम बढ़ा,
ओके राइट, आपको थोड़ा सा अपने जो एयरफोन्स होंगे उनके स्पीकर्स के वॉल्यूम बढ़ाने पड़ेंगे, अदरवाइज जो है वो आपका ऐसे रहने वाला है. क्वेश्चन चेंज कर दो सर. वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज को मेजर करने के लिए किसमें मेजर करते हैं, एमएम, सेंटीमीटर, माइक्रोन या एंगस्ट्रॉम? आ गया क्वेश्चन दिख गया आपकी स्क्रीन पे, अभी आ गया. ऐसे किया क्यों? हो गया चेंज. एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य किस कोटि की होती है, 1 mm, 1 cm, 1 micron या 1 angstrom? तो आप याद रखिएगा कि जब भी आपको यहाँ पे एंगस्ट्रॉम करके लिखा रहता है तो 1 angstrom रहता कितना है, 1 raised to power 10 के लिए ये बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है. 1 angstrom की जो वैल्यू होती है, पहले तो एक्सरे की जो वैल्यू होती है वो 350 से लेके 700 नैनोमीटर तक जाती है, ठीक है. और नैनोमीटर को जब एंगस्ट्रॉम में चेंज किया जाता है तो वैल्यू जो है वो -10 हो जाती है. वापस सुनिए, एक्सरे जो होती है वो आपकी 350 से 700 नैनोमीटर तक रहती है, ठीक है, नैनोमीटर को. लेकिन अगर यहाँ पे नैनोमीटर आपको नहीं दिया है, एंगस्ट्रॉम दिया है, तो इसी नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल देते हैं. एंगस्ट्रॉम को इस तरीके से लिखा जाता है और 10 raised to power -10 बोलता है. 10 raised to power -9 क्या होता है, नैनोमीटर. 10 raised to power -8 ऑक्टामीटर करके टर्म करते हैं, और 10 raised to power -10 जो है ना वो एंगस्ट्रॉम करके किया जाता है टर्म. तो एंगस्ट्रॉम जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर दी हीट रेडिएशन? उष्म विकरण के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, एमीटर या वोल्टमीटर? नेगेटिव हो जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है. एंगस्ट्रॉम के लिए बोला या फिर नैनोमीटर, इसके लिए ऑक्टा के लिए बोला या नैनोमीटर के लिए बोलते हैं, तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव रह जाती है. तो ये ऐसे करके आपको क्वेश्चन आते हैं. तो आप फिजिक्स में वैसे भी प्लीज करके जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो लुक एट द वैल्यूज, उसकी ऐसा यूनिट क्या लिखा हुआ है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल करेक्ट है नहीं है, थोड़ा सा उस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना. जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऊष्मा विकरण के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ना बैरोमीटर और बोलोमीटर में कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, काफी सारे लोग आंसर जो है वो बैरोमीटर देने लग रहे हैं. थर्मामीटर बिल्कुल भी नहीं. देखो, हीट रेडिएशन को नापने के लिए रेडिएशन शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना. हीट रेडिएशन को, ऊष्मा विकरण को नापने के लिए थर्मामीटर कैसे इस्तेमाल करेंगे? थर्मामीटर तो तापमान के लिए होता है, ना कि ऊष्मा विकरण के लिए. तो आंसर जो है ना वो आप बोलोमीटर करके याद रखना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अगर ऊष्मा की जगह विद्युत चुंबकीय तरंगे भी लिखा हो या विकरण लिखा हो, तभी भी आंसर जो है ना आपको बोलोमीटर करके लिखना है, ठीक है. तो बोलोमीटर डी करके जो लिखा है वो करेक्ट आंसर होगा. थर्मामीटर तापमान, ठीक है, टेम्परेचर लिखा रहेगा तो थर्मामीटर. आंसर जो है वो आपका बोलोमीटर रहेगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंच टूगेदर वेन द ब्रश इज रिमूव फ्रॉम वॉटर ड्यू टू, जो शेविंग का ब्रश होता है उसको जब पानी से बाहर निकालते हैं तो सारे के सारे जो उसके ब्रशेज होते हैं ना वो आपस में चिपक जाते हैं, रीजन क्या होता है इसका? सर्फेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी या वेलोसिटी? एनवायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन आपको जो टेस्ट हुआ करेंगे आपके, मतलब आफ्टर दी दिस वीक के बाद आपके टेस्ट होंगे, मंडे ट्यूसडे लगातार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन आपका टेस्ट होगा मिसलेनियस का, उसमें एनवायरमेंटल स्टडीज के जो क्वेश्चन है ना उनको डाल दिया जाएगा, ठीक है. बाकी जो टॉपिक एक दो बच गए हैं आपके या जिनसे क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ना रहेगा आपको, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो उनको सबको ना टेस्ट पेपर्स में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है.
और ये चीज आप याद रखिएगा, इस फ्राइडे को आपका टेस्ट होने वाला है, तो जितने भी टॉपिक अभी तक किए हैं सारे के सारे आप लोग रिवाइज करके रखिएगा। फ्राइडे को आपका एक कंप्लीट टेस्ट होगा 50 नंबर का, जैसा कि आपको पेपर में आने वाला है एग्जैक्टली उसी की तरह, ठीक है? तो रिवाइज करना है अभी तक सारी चीजें। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ब्रश इज रिमूव फ्रॉम द वॉटर ड्यू टू, तो वो क्लेंच कर जाता है, तो किसकी वजह से? सरफेस टेंशन, याद रखना है। बारिश की बूंदे जमीन पे गिरती है तो वो गोल नहीं रह के ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाती है, किस लिए? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की वजह से ही पानी जो है वो आपका गिलास के दीवारों पे या फिर बाल्टी के जैसे वॉल होती है उसकी उस पर चिपकता है। कोहेजन, एडहेजन और सरफेस टेंशन, तीन चीजें होती है जिसकी वजह से पानी जो है वो ऊपर चढ़ता है या उतरता है। तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कोरोनोमीटर मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रोनोमीटर जो है उसको किस चीज को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट क्रोनोमीटर निम्न में से किस चीज को नापता है? टेस्ट का टाइम ये आपका 12 बजे जो क्लास रहती है आपकी, इसी टाइम पे 12 बजे जो है वो आपकी क्लास का टाइम पे ही टेस्ट रहेगा। तो फ्राइडे आपका साइंस का पूरा पहला टेस्ट होने वाला है, तो प्लीज अभी से प्रिपेयर करें उसको, ठीक है? ओके राइट, क्रोनोमीटर की जब हम बात करते हैं तो क्रोनोमीटर अरविंद चौधरी, बिल्कुल, टाइम को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्रोनोमीटर। पहले करके जो ओवल एक जो मशीन भी आती थी ना जिसमें रेत को भरते थे और उसके बाद उसको उल्टा करते थे, ऐसे यू शेप, डबल यू शेप, इन्वर्टेड दो यू शेप के जैसे वेसल रहता था, तो रेत भरते थे तो वो पूरा रात तक शाम तक एक टाइम होता था कि 5 घंटे में वो नीचे आने वाला है। तो उस तरीके से ना टाइम जब मेजर करते हैं तो उस चीज के टर्म्स में हम क्रोनोमीटर करके टर्म किया जाता है उस चीज को। ओके राइट, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? सेंटीमीटर्स लिखा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? वंस नैनोमीटर नहीं लिखा है, सेंटीमीटर्स लिखा है, मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है। तो उसके हिसाब से 1 एंगस्ट्रॉम कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? एक एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर्स लिखा है, मीटर नहीं लिखा है, तो प्लीज करके ध्यान से आंसर दीजिएगा। -12, सेंटीमीटर्स लिखा है वहां पे, 10^-8 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, मीटर्स नहीं लिखा है। तो -9 आपको, -10 आपको आंसर नहीं देना है, -10 अगर वो आपको मीटर्स में पूछ रहा होता तो, सेंटीमीटर्स में पूछ रहा है तो 10^-8 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट रहेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ वापस से, आप यूनिट्स को, आपको ये जो आपको आंसर्स मिलेंगे ना इसके पीडीएफ में, उसमें एक आपको चार्ट मिलेगा एक आंसर में, उस चार्ट को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? वो चार्ट में आपको सारी की सारी वैल्यूज लिखी हुई है। तो 10^-8 जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर पूछ रहा है, मीटर नहीं पूछ रहा है, ठीक है? तो -10 आंसर ना देके आपको 10^-8 आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी। तो जब आपको सबसे पहले लाइट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, प्रकाश के ऊपर, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन फोकस और डिस्टेंस से रिलेटेड आएगा, ठीक है? एफ कितनी दूरी, एफ जो पूरा फोकल बिंदु होता है वो यहाँ पे डायोप्टर के लिए उसको हम क्या करते हैं, डी इज इक्वल टू 1/f करके टर्म किया जाता है। और ये डी जो है ये क्या शो करता है, डायोप्टर, इसको फॉर्मूले में पी के साथ लिखा होता है। तो किसी भी लेंस की क्षमता को नापने के लिए, पावर जो होती है उसको नापने के लिए डायोप्टर की जो यूनिट होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। और फॉर्मूला क्या रहता है आपका, 1/f जो है पूरा फॉर्मूला रहता है, ठीक है?
तो क्या रहेगा यहाँ पे 2D जो लोग आंसर दे रहे हैं वो एक बार वैल्यू देखे 20 सेंटीमीटर लिखा है लेकिन इसका आंसर कभी भी 20 सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर में नहीं देना है आपको, इसका आंसर हमेशा मीटर में देना है। तो आपको वैल्यू किस चीज की दी हुई है, फोकल लेंथ की दी है 1/f की, मतलब f की वैल्यू दी हुई है। तो 1/20 जब आप करने लग रहे हो यहाँ पे है ना, 1/20 जब आपने किया है तो ये भी तो देखो आप सेंटीमीटर्स है वहां पे, तो उसको कन्वर्ट करोगे ना 20 को कन्वर्ट करोगे तो 100 से उसको करना पड़ेगा तो 100 ऊपर में जाएगा, तो 5 डायोप्टर जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो मैक्सिमम लोग जो है वो 5D आंसर देने लग रहे हैं, 5D जो है वो आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, ये है ना, इन द आइसोथर्मल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कॉन्स्टेंट। जब भी हम समतापी प्रक्रम की बात करते हैं तो इनमें से कौन सी चीज नियत रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, क्या रहेगा 0.22D, ये आंसर नहीं देना है। वैल्यू को आप देखिए वहां पे कि वैल्यू क्या लिखी हुई है उसके हिसाब से आंसर दीजिए। वैल्यू आपको सेंटीमीटर में है जबकि फोकल दूरी की वैल्यू कभी भी सेंटीमीटर में ना लेके आपको हमेशा किस में लेनी है, मीटर में लेनी है। तो इसलिए आप उसको 100 से डिवाइड करोगे जो कि ऊपर में जाके 5 डायोप्टर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। ओके राइट, नेक्स्ट यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, समतापी प्रक्रम में निम्न में से क्या नियत रहता है, टेम्परेचर, घनत्व, दाब। ओके राइट, सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे, ठीक है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रसोनोजित मालकर, ओके, जब भी हम यहाँ पे कांस्टेंट की बात करते हैं इन दिस आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, थर्मल वर्ड किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, बाकी कुछ चीजें आइसोथर्मल लिखा है, ठीक है, आइसो का मतलब होता है नो चेंज या नो मूवमेंट या कॉन्स्टेंट, ठीक है, आइसो बोला तो मतलब कि सेम, राइट। और थर्मल वर्ड जो है वो टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा सेम टेम्परेचर के कॉन्स्टेंट में तो आपका तापमान या टेम्परेचर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वेंचिरोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, वर्क्स ऑन द फॉलोइंग थ्योरी, थ्योरम और प्रिंसिपल और लॉ। तो वेंचुरीमीटर उपकरण होता है, ठीक है, जिसको इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, द्रवों के बहाव की गति को नापने के लिए, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, राइट। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है या किस लॉ पे काम करता है ये बताइए, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम या फिर न्यूटन्स लॉ। तो पहली बात तो बर्नौलीज की जो थ्योरी थी वो स्पीड ऑफ फ्लूइड को रिलेटेड थी प्रेशर में, अगर यहाँ पे प्रेशर के अंदर डिक्रीज या इंक्रीज होता है, दबाव जो है वो बढ़ा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, उसके हिसाब से किसी भी फ्लूइड की गति या किसी भी द्रव की जो गति होगी वो कैसी होने वाली है, बढ़ेगी घटेगी, ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस था बर्नौलीज की थ्योरम या बर्नौलीज का प्रिंसिपल करके हम इसको टर्म करते हैं। और ये जो पूरा साइंटिस्ट है यहाँ पे डेनियल बर्नौलीज ने ये पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था बाय फॉर्मिंग अ ट्यूब, है ना। तो वेंचुरियोमीटर एक ट्यूब होती है जिसके अंदर डाल के प्रेशर दिया जाता है किसी भी फ्लूइड को एक कॉन्स्टेंट तापमान पे उसको रख के, और उसके बाद उसकी गति को नापा जाता है। तो याद रखिएगा बर्नौलीज थ्योरम जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपको पता है कि हमारे अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाता है लेकिन हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है, प्रतिरोध करती है, रोक के रखती है उसको।
तो कितना रहता है? अलग अलग चीजों का होता है, जैसे कि चांदी का अगर बोला तो 1.627 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 हो जाता है। उसी तरीके से कॉपर वायर का बोला तो 1 ओम हो जाता है। वहीं अगर हम अपनी बॉडी के लिए बात करते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हमारी बॉडी का कितना रहेगा? टेन एज टू पावर 5 ओम, ठीक है। अभी याद रखिएगा, ये थोड़ी सी वैल्यू आपने पढ़ी नहीं होगी, सौरभ बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे। तो 10^5 ओम याद रखिएगा, ये हमारे वैल्यू का, हमारे बॉडी का वैल्यू है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर देती है, तो उसके हिसाब से हम उसको टाउन करते हैं, ठीक है। काफी सारे ऑर्डर हैं, वो आपको नोट्स में वापस मिल जाएगा, जैसे कि नेक्रोम का जो कि आपकी प्रतिरोध का काम करता है, या हाईएस्ट कंडक्टर इसका बोला जाता है, जिसकी विशिष्ट प्रतिरोधी सबसे ज्यादा है, उसको भी हम यहाँ पे हेक्टो ओम में कैलकुलेट करते हैं। तो 10^5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ इज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स, व्हाट इज द पावर, हाउ नहीं व्हाट होगा, कन्वेक्स लेंस की यानी कि उत्तल लेंस की पावर क्षमता क्या होती है? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या कुछ भी नहीं? देखो ड्राई अगर हमारा बॉडी है ना, गीला नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है। इसीलिए क्वेश्चन में ना आपको रेजिस्टेंस पूछी है ड्राई क्वेश्चन, ड्राई लिख के। लेकिन अगर आपकी बॉडी गीली है और उसके तुरंत बाद आप स्विच छू लेते हो, तो आपको पता है क्या ही होता है फिर आपके साथ, है ना। कभी कभी अर्थिंग अगर आ रही होती है, तो अगर आपने स्लीपर्स भी नहीं पहना है, तो करंट जो है वो पास हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इसलिए बोली है वहां पे ड्राई लिख के, तो क्योंकि गीली बॉडी में ना करंट पास हो जाता है, तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस काम नहीं कर रही होती है हमारे शरीर की। इसलिए आपको ये क्वेश्चन हमेशा जो है ना वो ड्राई के लिए आएगा, वेट के लिए नहीं आएगा, ठीक है। ओके राइट, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो मेरे ख्याल अभी आप याद रखिएगा, जब भी आपको कन्वेक्स लेंस दिया जाता है, उत्तल लेंस दिया जाता है, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से इससे रिलेटेड ये चीज पूरा समझाया था, इसको आप याद रखिए, इस चीज के शीशे को आप याद रखिए ग्राफ के ऊपर, एक्स वाई ग्राफ जो होता है हमारा, तो ग्राफ के ऊपर हमेशा इधर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, है ना, और इधर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है हमेशा। तो अगर मैंने आपको कन्वेक्स बोला है, तो कन्वेक्स मिरर कैसा रहेगा? कन्वेक्स मतलब कि देखो कनकेव लेंस बोल रहे हैं, तो कनकेव लेंस और कनकेव मिरर जो है वो बिल्कुल उल्टा रहता है। तो जब कन्वेक्स बनेगा ना, तो उसकी फोकल दूरी जो है वो यहां बनती है, इसीलिए उसको हम पॉजिटिव करके टर्म करते हैं, लेंस बोल रहे हैं ना, ऐसे करके लेंस बनाया जाता है ना, उसी तरीके से आपका ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब कनकेव ऐसे करके जब हम लेंस बनाते हैं, अवतल का लेंस कैसे बनता है, ऐसे करके, तो ये क्या रहता है, नेगेटिव करके रहेगा। तो जब भी आपको कन्वेक्स लेंस पूछा जाता है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, कनकेव पूछा जाता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। लेकिन उसी चीज को बिल्कुल उल्टा कर देते हैं आप लोग जब हम क्वेश्चन करते हैं, किसके लिए, मिरर के लिए, तो मिरर वाला आगे आएगा आपको, लेकिन यहाँ पे क्लियर है, जब भी आपको पॉजिटिव रहने का, जब भी आपको कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस पूछा जाएगा, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आप चीजें याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संदीप तिवारी, ओके ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, What is the value of 1 giga? Gigabyte, terabyte, yottabyte, zettabyte, ये सारी value आपको याद रखनी है यहाँ पे, तो जरा उसके context में देखे, 1 giga पूछा है तो क्या रहेगा, और 10^10 जैसा पॉजिटिव में कोई वैल्यू नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा। 9 रहेगा, टेरा रहेगा, पेटा रहेगा, एक्सा रहेगा, जेटा रहता है, योटा रहता है, लेकिन 10^10 जैसा कुछ नहीं आता है। तो जरा यहाँ पे एक बार फिर से, 1 giga क्या है, 10^10 या 10^9 या 10^12, माइनस तो कभी नहीं आएगा इसमें, जो आपको लिखा है उसके हिसाब से।
ओके, पहली चीज तो यहाँ पे जब भी आपको गीगाबाइट लिख के आएगा तो 10^9 जो है वो आपको याद रखना है गीगाबाइट के लिए, और 10^10 जैसा कुछ नहीं होता है जैसे मैंने आपको बताया, और 10^12 जो है टेराबाइट, तो गीगाबाइट है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 10^9 जो है याद रखिएगा गीगाबाइट, 10^12 अगर आपको लिखा है तो उसके लिए आपको याद रखना है यहाँ पे टेराबाइट करके, ठीक है, टेराबाइट। तो वापस से इसका एक और चार्ट रहेगा जो पीडीएफ में होगा, तो उसको प्लीज करके आप लोग पढ़िएगा, माइक्रो पिको नैनो फर्मी मिलीलीटर्स और ये सारा आपको याद रखना है, ठीक है। हेक्टो हो गया, तो ये वाला प्रॉब्लम आपका थोड़ा सा इस चार्ट को पढ़ने के बाद खत्म हो जाएगा। आंसर इसका क्या होगा, 10^9 जो है उसको हम गीगाबाइट करके टर्म करते हैं, 10^9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 10^10 पॉजिटिव में कुछ नहीं होता है, ठीक है, कभी नहीं आएगा आपको 10^10। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की मदद से क्या फाइंड किया जा सकता है, ये याद नहीं रहता है, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको चार्ट दूंगी, इस वाले क्वेश्चन के नीचे लगा होगा आपका ये, बिल्कुल इसी वाले क्वेश्चन के नीचे चार्ट होगा, तो उसमें नेगेटिव की वैल्यू और पॉजिटिव की वैल्यू सारी की लिखी है, योटा जोटा पेंटा और सारी की सारी, तो एक बार प्लीज करके उनको रिवाइज कर लीजिएगा। बिल्कुल अभी क्लास ही कर लो, बाद में बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बात के लिए काफी सारा टाइम और काफी सारे महीने और काफी सारी साले पड़ी हैं, लेकिन शायद एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम या ज्यादा कुछ दिन नहीं बचे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस प्लीज करके अगर आप यहाँ पे आते हो क्लास अटेंड करते हो तो रादर देन टॉकिंग विद अदर पीपल्स आप लोग प्लीज करके ना क्लास पे फोकस किया करो, ठीक है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे उठ के आने वाले हैं कई सारे, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स नॉट एन ऑर्डर, वी कैंट ऑर्डर यू, लेकिन हाँ रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं आपके फ्यूचर की वजह से। ओके, देखिए स्मॉल करंट याद रखिएगा, करंट तो आपको याद रखना ही है लेकिन स्मॉल करंट याद रखना है, एम मीटर जो है वो भी करंट को, सुदीप एम, बिल्कुल स्मॉल करंट को नापने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, राइट। देखो करंट को नापने के लिए एम मीटर भी लगाया जाता है और वोल्ट मीटर भी आपका वोल्टेज को मेजर करता है और गैल्वेनोमीटर, तीन चीजें हैं, ठीक है, वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर, करंट को नापने के लिए एम मीटर और जो आपका ये गैल्वेनोमीटर है दोनों, लेकिन एम मीटर जो है ना वो ज्यादा करंट को नापता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है अगर बहुत ही कम करंट फ्लो करा होगा ना उस कंडक्टर के अंदर, उस चालक के अंदर बहुत कम भी करंट फ्लो करा होगा तो भी उसको नापने की क्षमता रखता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है, एम मीटर या गैल्वेनोमीटर हमेशा आपके स्पेसिफिकली एम मीटर जो है वो श्रृंखला में लगाया जाता है सीरीज में, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, और वोल्ट मीटर जो है वो आपका पैरेलली अरेंज किया जाता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, शेविंग मिरर जो शीशा इस्तेमाल किया जाता है शेव करने के लिए, किस तरीके का शीशा होता है, कंकेव पैराबोलिक प्लेन कन्वेक्स, यस यस, शंट वायर में ये पैरेलल अरेंज किया जाता है, समझ आ गए ना, ये तीनों पार्ट समझ आ गए ना, एम मीटर गैल्वेनोमीटर और ये पूरा पार्ट, बिल्कुल ये इट्स द टाइम, नींद वींद से जागने का टाइम है ये आपका अभी, सोने के लिए टाइम तो, और 12 बजे कौन सोता है ऐसे है, थोड़ा सा टाइम आप लोग निकालो, एग्जाम आपका अगले ही हफ्ते है, जिन लोगों का एग्जाम स्टार्ट है 19 से, पता है ना सबको, तो ये सोच के कैसे नींद आता है आप लोगों को, 19 तारीख से एग्जाम है ना, और इस यही हफ्ता है आपके पास आखिरी, और साइंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज करके फोकस ऑन दी स्टडीज, राइट। ओके राइट, अवतल दर्पण जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कंकेव मिरर, कंकेव मिरर क्या करता है, चीजों को फोकस करने का काम करता है, तो जो मेकअप के जो मिरर्स होते हैं या फिर जो आपका शेविंग मिरर्स हैं या डॉक्टर्स जो इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, कंकेव मिरर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे, बी जो है ना वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बॉल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो आपके बॉल पेन होते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, उसके अंदर इंक जो है ना वो कैसे निब के अंदर आ रही है,
कंकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कंकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, क्लियर है ना ये चारों सबको डिटेल में कराए हैं ये सारे के सारे। कंकेव तो बिल्कुल डिटेल में कराया है, इमेजेस के साथ बना के पूरा बनाया है, तो मेरे ख्याल इसमें तो कॉन्टेक्ट इस चीज में किसी को टेंशन तो नहीं है ना, सारी चीजें क्लियर है। देखो अगर इस चीज में कोई भी दिक्कत रहेगा तो मैं आपको एक बार से तो जब आपकी साइंस की फाइनल क्लास होगी तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट आपको ये चीज बताना रहेगा, ये चीज सबको, इसमें किसी को टेंशन तो नहीं है ना। ओके, सरफेस टेंशन या फिर आपका ये पृष्ठीय तनाव जो है वो करेक्ट आंसर है। जैसे कि मैंने आपको बताया पानी के लिए तीन चीजें, ठीक है, कोहेजन, एडहेजन और सरफेस टेंशन। ये तीनों चीजें जब पानी की बूंदों के ऊपर या पानी को साथ में चिपका के रखते हैं तभी पानी जो है ना ऊपर में फ्लो करता है। उसी तरीके से जैसे निव है, नीचे आनी है तो आपका क्या काम करेगा, सरफेस टेंशन जो है वो काम करता है यहाँ पे। इसलिए आप याद रखिएगा कि आपका जो डी ऑप्शन है यहाँ पे वो करेक्ट रहेगा। विस्कोसिटी ने, विस्कोसिटी तो चिपचिपाहट होती है, श्यानता हम इसको बोलते हैं, तो विस्कोसिटी की वजह से नहीं रहते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो दूर दूर तक कहीं भी नहीं है इसमें, तो सरफेस टेंशन आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, क्रीम सेपरेटर वर्क्स ऑन, क्रीम सेपरेटर्स वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस सिद्धांत पे क्रीम को अलग करते हैं। जैसे ये आपके वो वाले फोर्सेस वगैरह हैं, कोई भी चीज, पहले आप आंसर दीजिए फटाफट से। टॉपिक वाइज परवीन, टॉपिक वाइज 19 से आपका टेस्ट है, तो कम से कम जितना टाइम आपको मिला था ना उतने में तो सिर्फ और सिर्फ साइंस ही हो पाती है अगर टॉपिक वाइज रहता तो, बाकी इससे आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा, पीछे का पूरा कवर कराया है, तो एक बार चीजें ना पीछे से देख लीजिए। स्पेस में बॉल पेन नहीं चलता है, ठीक है, उसकी निप टूट जाती है। ओके, क्रीम सेपरेटर आपको याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको हम बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो कि किसी भी बॉडी के इनर्शिया से ही जो पूरा फोर्स है ये लगता है, और कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उसके आउटर एरिया में पूरा, जैसे कोई भी चीज को सर्कुलर घुमाया जाता है तो फोर्स ऑन दिस साइड, बाहर की साइड निकल के ही जो पूरा फोर्स लगता है ना इस तरीके से, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके टर्म करते हैं, अपकेंद्रीय बल इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम व्हाट, किसी भी वस्तु का वेग अगर दुगना कर दिया है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ओके सोहित, नेक्स्ट क्लास में आई यूज द माइक, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा पिछले वाले क्वेश्चन का। अभी आप देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर आपकी वेलोसिटी किसी भी वस्तु की वेलोसिटी को दुगना कर दिया है तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा, फोर टाइम्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, फोर्स फोर टाइम जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आए हैं, एएलपी में भी आया था, वापस जो ग्रुप डी में भी आया है, अब आपको भी आराम से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। हाफ एम बी स्क्वायर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलते हैं, जिसमें से आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के ऊपर वेग के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, अगर किसी भी चीज की वेग जो है वो दो गुना कर दी गई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑन स्क्वायरिंग क्या हो जाएगी, 4v² यहाँ पे हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुना ये बढ़ जाएगी, तो 4 टाइम्स जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो mgh करके आपका फॉर्मूला रहता है, तो गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं स्थिज ऊर्जा, ठहरी हुई चीजों में ऊर्जा जो होती है, जैसे कि डैम के ऊपर पानी, खींची हुई गुलेल, ठीक है, ये आपके बुलेट के अंदर गोली है ना, बंदूक के अंदर जो गोली होती है वो, उसको जब चला दिया, जब उसको गति दे दी तो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये याद रखना है, कोई भी चीज हाइट पे होगी जिसपे कुछ ग्रेविटी लगा होगा और उसका कुछ द्रव्यमान होगा
तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसी चीज में अगर आपने गति दे दिया या वेलोसिटी उसको दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो आई होप ये वाली सारी चीजें जो है ना वो करेक्ट रहेगा आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या रहेगा आपका, हाफ एम बी स्क्वायर, चार गुना जो है वो बढ़ जाएगा आपका। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ये आंसर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो किस चीज पे काम करता है या किसके साथ काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मर्स आपको पता है बेसिकली करते क्या है, ये या तो ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं या फिर विभांतर को, वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये देखेगा, क्वेश्चन नंबर 15 दीपक भारद्वाज, कौन सा क्वेश्चन है, हाफ काम या काइनेटिक एनर्जी में हाफ जो है वो जब आपको वेलोसिटी दी जाती है तो उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको ना यहीं पे क्लियर कर दूं, इसका आंसर आप अल्टरनेटिंग करंट जो दे रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक दे रहे हो। एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर करनी है, जब आपको फॉर्मूले याद करते हो ना तो उसके जरा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी याद करने हैं। दो फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी चीज के मास के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर, और काइनेटिक एनर्जी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी के ऊपर, वी के स्क्वायर के ऊपर, ये याद रखना है। उसी तरीके से जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए याद रखते हो तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जी एम वन एम टू अपॉन में डी स्क्वायर। तो अब ये जी और इक्वल आप हटा दो तो ये क्या बनता है कि जो फोर्स होता है ना, ये बल जो है वो डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल होता है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणा के बराबर, गुणनफल उनका। और ये जो इसको ऊपर से हटा देते हैं तो फोर्स जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किस चीज के ऊपर, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इन फॉर्मूले को लर्न करा करिए, फॉर्मूला रटना नहीं है प्रॉपरली, तो उसके हिसाब से बिल्कुल। देखिए यहाँ पे संदीप कौशिक, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। देखिए यहाँ पे तो वेलोसिटी जो है वो आपका क्या रहेगा, अगर आपने वेलोसिटी बढ़ाई है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो चार गुना आपको आंसर करना है, उधर में हाफ आपको नहीं लगाना, ठीक है। ओके राइट, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था ट्रांसफॉर्मर वाला, उसका आंसर आपका रहेगा ऑल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है एसी करंट जो रहता है उसको ये घटाने या बढ़ाने के काम में लेके आता है, ठीक है। ओके राइट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, स्केलर जो हमारा कार्य है वो निम्नलिखित में से किसके अदिश गुणनफल है। इन फॉर्मूलेज को एग्जैक्टली देखो, फिजिक्स के फॉर्मूले में आपको एग्जाम से पहले पक्के से रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। एक दिन आपका साइंस का ही क्लास लेंगे स्पेसिफिकली एग्जाम से पहले, तो जो टेस्ट करके जो आ रहे हैं उसके आसपास कर लेंगे, भले एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़े थोड़ा सा, लेकिन आपके एग्जाम से पहले मैं आपको फिजिक्स के एटलीस्ट फॉर्मूले सारे याद कराऊंगी। और इनको याद कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सीधा रट के जाते हो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, जी आ कहां से रहा है, डी स्क्वायर है क्या, ये भी तो याद रखना है ना, तभी आप क्वेश्चन का ना आंसर दे पाओगे। ओके जैसे ये वाला आपका क्वेश्चन है वर्क जो है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत बार पूछा था, ठीक है, एंगल देके ये पूछा जाता है। तो वर्क जो है वो क्या रहता है, फोर्स और डी, ठीक है। आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, विस्थापन दिया रहता है। तो जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है कि किसी कार्य को करने में जितना बल लगाया गया है और उस बल से किस चीज को कितना घुमाया गया है, हिलाया गया है या रोटेट किया गया है, तो उसको आप एंगल पे मेजर करोगे। जैसे कि यहाँ पे डी को कॉस थीटा के साथ हम मेजर करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या, उसकी कुछ बदलाव, क्या एंगल में आपने बदलाव लेके आया,
आपने सीधा किसको आगे कर दिया, खिसका दिया, या उसको लेफ्ट साइड लेके गए, राइट साइड लेके गए, तो कुछ एंगल बना होगा आपका. तो W इज इक्वल टू F इंटू D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज करके इसको अभी याद रखिएगा. ग्रुप डी में ऑलमोस्ट हर दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पे हर दिन एक क्वेश्चन आया था. और यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी याद रख लीजिएगा, ठीक है. एफ इज इक्वल टू एम ए भी होता है. तो ये वैल्यू अगर कभी ऐसे करके दी हो कि कार्य आपको निकालना है, एम ए और डी दिया रहेगा, तो भी जरा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है. याद है ये सारा चीज, समझ आ गया, ये फॉर्मूला जो है वो याद आया, समझ आ गया, याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे, सब्सटेंस दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज. बहुत आसान क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी से ऐसे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे वाले आएंगे, मतलब ये तो सिंपल है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के ऊपर आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे इगोनाइट है हाइएस्ट, पहले इसका आंसर बताइए आप. बिल्कुल, इसमें नेगेटिव भी आता है, ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी इसमें नेगेटिव आंसर भी आता है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा याद रखना. स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की आपको अलग से एक वैसे तो मेरे ख्याल आपको पता होगी, लेकिन एक बार भी ये एक बार आप रिवाइज करने के लिए मैं आपको उसकी पीडीएफ दूंगी, जिसमें कि आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज लिख के रहे होंगे. सेमीकंडक्टर्स, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत प्रवाह होती नहीं है, या वो चीजें जो विद्युत को प्रवाह होने नहीं देती हैं, वो आपका क्या रहेगा, उसको हम सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे. अच्छा, दो सेमीकंडक्टर्स के नाम बता दो आप मेरे को जल्दी से. दो सेमीकंडक्टर, सिर्फ दो ही सेमीकंडक्टर आपको याद रखते हैं, और पूरी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सिर्फ दो सेमीकंडक्टर्स हैं, अर्धचालक हम इनको बोलते हैं, बाकी के सारे मेटल मेटलॉइड मतलब कंडक्टर या इंसुलेटर्स ही हैं. सिर्फ दो सेमीकंडक्टर्स कौन से हैं, जल्दी से क्वेश्चन क्या क्लियरली बताना है आपको, क्या लिखा है कि सब्सटेंस ऐसी कौन सी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह नहीं करने देती है. मैक्सिमम लोग ऑलरेडी आंसर जो है ना वो करेक्ट देने लग रहे हैं. इंसुलेटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है. इंसुलेटर, दो सेमीकंडक्टर्स के नाम, अमरजीत कुमार बिल्कुल, वर्तिका, जर्मेनियम और सिलिकॉन, कुंदन जाकर, बिल्कुल आपको दो सेमीकंडक्टर्स याद रखने हैं, इनको एग्जाम्स में पूछा जाएगा. जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो आपके दो सेमीकंडक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली नहीं पास करने देते हैं. जब आपको इंसुलेटर्स पूछा जाता है तो इंसुलेटर उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता है, जैसे डायमंड, हीरा हो गया, लकड़ी हो गया, सूखा पेपर हो गया, ये पास नहीं करने देते हैं. और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें मतलब बिल्कुल भी पास नहीं होती है, तो एक तो रबड़ है और दूसरा आपको एबोनाइट याद रखना है, ठीक है. ग्रुप डी एएलपी में कम से कम ये क्वेश्चन 5 से 6 बार रिपीट किया है, आपको याद रखना है. हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है, सबसे ज्यादा विशिष्ट प्रतिरोधी जो है वो इबोनाइट का होता है, ठीक है. इबोनाइट एक तरीके का ये फाइबर होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल पास नहीं होने देता है. तो ये कुछ जो जो फायरमैन जो जाते हैं और कुछ जो बम वगैरह बम स्क्वाड्स होते हैं जो चेक करते हैं कि कहीं बम तो नहीं लगा है, उनके जो कपड़े होते हैं ना वो इबोनाइट के बने होते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है. इसका आंसर आपका रेजिस्टिविटी जो रेजिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में है, तो इंसुलेटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, कुछ चालक हम इसको बोलते हैं. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो मतलब पास्कल जो है वो किस चीज को मल्टीप्लाई करके आता है या डिवाइड करके आता है या कैसे. सबसे ज्यादा पास बिल्कुल सिल्वर आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा सिल्वर, लेकिन चांदी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तारों के रूप में कॉपर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल सबसे ज्यादा चांदी में रहता है लेकिन चांदी को इस्तेमाल नहीं किया जाता है. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसका आंसर दीजिए. प्रेशर दबाव या दाब का ऐसा यूनिट पास्कल है, तो इस नियम के रूप उसको अगर हमें लिखना है न्यूटन में और मीटर में, तो किस तरीके से लिखेंगे हम. न्यूटन मीटर तो पहली बात आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रेशर के फॉर्मूले में अपॉन में आते हैं ना आपके साथ चीजें, तो अपॉन में अगर आएगा तो क्या रहेगा.
बिल्कुल, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कई लोग खाली न्यूटन अपॉन मीटर दे रहे हैं तो वो गलत रहेगा आपका। न्यूटन बटा में मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, प्रेशर की जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स का क्या रहता है, यूनिट न्यूटन रहता है, और पर यूनिट एरिया है तो एरिया का हम मीटर नहीं ना क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, तो न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ, पास्कल जो है वो किस तरीके किस चीज की यूनिट है, तो आपको क्वेश्चन में ऊपर लिखा है प्रेशर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दबाव। ठीक है, प्रेशर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड आते हैं, तो याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी, एक सेकेंड में इसका आंसर जल्दी से। ओके, बिल्कुल जे थॉमसन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको अगर बाकी के ऑप्शन के लिए देखो, इसमें आपको चार चीजों के सबसे ज्यादा याद रखने रहते हैं। जे थॉमसन अगर बोला तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, प्रोटॉन्स के लिए बोला पी करके आप याद रख सकते हो चैडविक, ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए अगर न्यूट्रॉन के लिए चैडविक, ठीक है, प्रोटॉन के लिए गोल्ड स्टीन याद रखना है, और अगर हम न्यूक्लियस के लिए बोलते हैं साइज जो न्यूक्लियस का था वो रदरफोर्ड ने बताया था, तो ये चारों आप नाम याद रखिएगा, अगर एक पूछा जाता है तो इसी के आसपास आएगा। नील बोर जो है उन्होंने बोर कॉन्सेप्ट दिया था, बोर थ्योरी दिया था, जिसमें शेल्स को बनाना सिखाया था, KLMN करके आया था, तो उसके हिसाब से ठीक है। जे थॉमसन करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन। राइट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, किसी निश्चित दिशा में किसी निकाय द्वारा तय की गई सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एंगुलर डिस्टेंस। और ये प्लीज करके प्लीज 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 प्रोटॉन के लिए रदरफोर्ड याद नहीं रखना है, ठीक है, ये आपको डिस्कवरी और नाम में थोड़ा सा आप ये याद रखिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को लेके सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये है कि आप एक ही साइंटिस्ट को रख लेते हो, ये नहीं देखते हो कि उसने उसका नाम दिया, डिस्कवरी की या उसके रिलेटेड कुछ खोज किया। आज के बाद प्लीज करके प्रोटॉन के लिए कोई रदरफोर्ड आंसर मत करेगा, मैंने यहाँ पे खोज पूछा है, ठीक है, डिस्कवरी पूछा है, तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी ना, प्रोटॉन की खोज सबसे पहले किसने किया, वो गोल्डस्टीन ने की। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी एटम के अंदर होते हैं, किसी भी परमाणु के अंदर होते हैं, इसको नाम देना जो था ना, इसको प्रोटॉन नाम जो है वो रदरफोर्ड ने दिया था। तो अगर आपको क्वेश्चन कभी नाम का आता है कि प्रोटॉन नाम किसने दिया, तो रदरफोर्ड, लेकिन प्रोटॉन की खोज किसने की थी वो टोटली डिवोटेड है गोल्डस्टीन के लिए, तो प्लीज उनका इतना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आप रदरफोर्ड के नाम नहीं करिए, रदरफोर्ड ने उनका नाम दिया था प्रोटॉन का, ना कि उसको खोजा था, तो प्लीज करके ये ध्यान रखें, ठीक है। ओके, यहाँ पे हो गया आपका जो डिस्प्लेसमेंट, जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो करेक्ट आंसर होगा, विस्थापन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, जब प्रकाश हवा से शीशे में प्रवेश करती है, तो इस इतना सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ आना चाहिए किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ले जा रहे हैं, एक सरल माध्यम से उसको हम कहां ले जा रहे हैं, विगन माध्यम, विगन में लेके जा रहे हैं, रेयर टू डेंसर लेके जा रहे हैं। अब देखिए किसमें परिवर्तन होता है, जब भी लाइट को, प्रकाश को हम रेयरर से डेंसर में लेके जाएंगे, ठीक है, तो किस चीज में उसमें परिवर्तन रहेगा, तो क्या रहेगा, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो गोल सर्कल में अगर वही चीज घूम रही है तो वो चाहे कितने भी चक्कर लगा ले उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, जीरो, है ना, तो थोड़ा सा उस तरीके से बस याद रखना है आपको। ओके, राइट, यहाँ पे वरुण
कुमार, वेवलेंथ एंड स्पीड जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। पहली चीज तो ये कि जब भी वो चेंज करी है अपना मीडियम तो डेफिनेटली वेवलेंथ में तो चेंज आ ही रहा है, इसीलिए तो आप स्पेक्ट्रम देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें रंगों को हमने किस आधार पे डिवाइड कर दिया है, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पे, है ना, उनकी आवर्त और उनके तरंग दैर्ध्य के हिसाब से हमने रंगों को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो जब वो रेयर अर्थ से डेंसर में जाएगी तो वेवलेंथ तो डेफिनेटली चेंज होगी होगी, और किसी भी मीडियम में अगर चीजें, कोई भी चीज है अगर मीडियम अपना चेंज करती है तो उनकी गति में स्पीड में फर्क आता है, ठीक है। तो वेवलेंथ एंड स्पीड जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इको ऑफ साउंड वेव, जो ध्वनि तरंगे होती है, आवाज जो है वो गूंजती है ना, किसी आप टॉम में जाओ या किसी भी बड़े हॉल में जाते हैं जहाँ पे पर्दे वगैरह अगर नहीं लगे हो तो अगर आप उसमें चिल्लाते हो तो आवाज आपकी दीवारों पे जाके वापस से लौट के आती है, किस फिनोमिना की वजह से वो लौट के आती है। गौरव राठी, अगर आपको डिस्कवरी रदरफोर्ड याद करना है तो यू कैन लर्न राइट, बाकी जो चीज जिस तरीके से होना चाहिए वो मैंने आपको समझा दिया है, बाकी गलत याद करना है तो आप याद करते रहो, नॉट एन इश्यू। ओके, यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है वो याद रखिएगा, परावर्तन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जब भी साउंड इको जो होती है, आवाज में प्रतिध्वनि आने लगती है, मतलब कि अपनी आवाज अपने आप को सुनाई देती है या रिपीट रिपीट होके आती है साउंड, तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना होता है जिसकी वजह से आवाज आपको इको आती है, ठीक है। जैसे बैट जो करता है, बैट को जो वो सुन पाते हैं जो वॉइस उसकी, बैट की चलने की तरीका क्या होता है, वही जो हम बोल रहे हैं कि वो आवाज निकलता है रिफ्लेक्ट होके वो वापिस आती है उसके पास और उसको दूरी जो है ना वो समझ आती है, तो उसके हिसाब से याद रखिएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या रहेगा, परावर्तन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल इन, ध्वनि तरंगे किस चीज में नहीं गुजरती हैं। मेरी आवाज का भी आज इको हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है आवाज की। ओके, साउंड वेव्स तो बहुत ही सिंपल है, ठोस, द्रव और गैस, है ना, ये तो मेरे ख्याल अब तक सबको लर्न हो ही चुका होगा कि आपका ये जो ध्वनि तरंगे हैं वो किस चीज में नहीं गुजरती हैं। तो याद रखना है वैक्यूम में नहीं गुजरती हैं, वो मोस्टली आपका स्पीड साउंड जो है सबसे तेज ट्रैवल करती है, किसी लोहे के रॉड में सबसे तेज ट्रैवल करेगी, मतलब कि सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैसेस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, वैल्यू ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डैश आफ्टर इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, अगर तापमान बढ़ा दिया जाता है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जिसको हम साइन आई अपॉन साइन आर करके लिखते हैं। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, साइन आई बराबर में साइन आर, है ना। तो इसकी वैल्यू अगर हमने तापमान बढ़ा दिया है तो घटेगी, बढ़ेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी या कुछ भी नहीं रहेगा। सबसे पहली चीज तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी रहते हैं ना, कभी भी आते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तापमान अगर किसी भी चीज का, जैसे कि ये देखो ये है क्या, साइन आई अपॉन साइन आर बोला तो रेयरर से डेंसर मीडियम गया कोई भी चीज, ठीक है, सरल से विघन माध्यम में गई, तभी तो हमने उसके फॉर्मूले को साइन आई और अपॉन साइन आर जो है ना वो लिखा। तो अगर आपने किसी भी रेयरर चीज का या डेंसर चीज का, जैसे आपने तापमान बढ़ा दिया, हवा का तापमान बढ़ा दिया, तो मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, दूर में जाएंगे, ये सारा चीजें होगा। वैसे अगर पानी में कोई चीज ट्रेवल करी है, जैसे कि लाइट है, पानी में ट्रेवल किया, पानी को गर्म किया, तापमान किया, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होने लगेगा,
कम होने लगेगा तो उसके हिसाब से आप याद रखिएगा, ये हमेशा इसमें डिक्रीज आएगा। फॉर्मूले के हिसाब से आप रेयरर और डेंसर मीडियम को सोचिए, अगर आप पानी को गर्म करोगे तो लाइट जो ट्रेवल होना शुरू करेगी वो हमेशा डिक्रीज होना शुरू करेगी, तो बी जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर है, डिक्रीज जो है ना वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ओके, ऑयल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज, तेल की बूंदे पानी के साथ मिलती नहीं है, मिक्स नहीं होती हैं, लेकिन उसके ऊपर तैरती हैं, फैलती हैं, है ना? कैसे फैलती है बताइए, किस रीजन की वजह से? स्नेल्स लो, बिल्कुल स्नेल्स लो। प्रमोद कुमार, चार ऑप्शन तो होता है, तो मेरे को भी पता लग रहा है चार ऑप्शन होता है, बट कैन यू इमेजिन लाइक अगर मैं चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूं तो एक घंटे की क्लास में मैं कितने क्वेश्चन कर पाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15, ठीक है, मैक्सिमम, तो चलेगा उतना। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तेल की बूंदे पानी के अंदर मिक्स नहीं रहती है सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है, ये जितने भी द्रव होते हैं ना उनकी एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जहां पे उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितना किसी भी द्रव के मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा रहेंगे, आपस में ज्यादा चिपके रहते हैं, एंगल जो है उनके बीच में बहुत कम बनता है, वो चीजें हमेशा सर्कुलर अपीयर करती है, ठीक है, गोल अपीयर करती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय तनाव करके इसको बोला जाता है। उनके बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम गैप है, ठीक है, तो जितना जिसका गैप कम होगा वो उतना ही दूसरी चीज के ऊपर तैरेगा, मतलब कि पानी से ज्यादा जो गैप कम है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो तेल का है, इसीलिए तेल जो है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर तैर रहा है। लेकिन पानी में आप कुछ नॉर्मल ड्रिंक जूस मिला दो, सपोज जूस आपने पानी के अंदर मिला दिया तो वो उसके साथ मिल जाता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा नहीं आपकी अटैच है या ज्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन तेल का हो जाता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है और उसके हिसाब से उसका सरफेस टेंशन जो है वो बढ़ जाता है, तो आपका डी जो है ना वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी लास्ट है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक साइंस इज रिलेटेड टू, तो क्रायोजेनिक जो साइंस है वो किस चीज से रिलेट करती है, मतलब क्रायोजेनिक मतलब क्या? पहले एक बार यहाँ पे एक बार मेरे को फटाफट से ये बता दो, किसी का 19 या 20 को पेपर है क्या? आपके एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आ गए हैं, काफी सारे लोगों को पता चल गया है ना उनके एडमिट कार्ड, तो प्लीज करके एक बार ये बता दीजिए कि 19 को किसी का पेपर है क्या, 19 या 20 कभी भी। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है वो आपका क्या आ रहा है, क्रायोजेनिक साइंस किस चीज से रिलेट करता है, तो आपको याद रखना है इट्स रिलेटेड टू लो टेम्परेचर। ठीक है, क्रायोजेनिक में -196 जो टेम्परेचर है उसको इस्तेमाल किया जाता है चीजों को यहाँ पे उसको संभालने के लिए, सिक्योर करने के लिए, और इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है, तो वापिस ये दोनों फैक्ट्स जो है याद रखिएगा, लिक्विड नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है क्रायोजेनिक में, और तापमान रहता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड एक बार जल्दी से बता दीजिए, 19 या 20 को किसी का है क्या एग्जाम? विक्रम, 19 को एग्जाम है। राइट, अगर किसी का 19 को, यहाँ पे काफी लोगों का है एग्जाम, तो चीजें जो है वो ऐसे चलने वाली है कि 18 को फिर आपका एक फुल फ्लेश 50 नंबर का एग्जाम होगा। राइट, 18 को सबसे पहले, तो वो आप सबको अटेंड करना है, एकदम आपके एग्जाम की जैसा होगा, करंट अफेयर्स वाले जो क्वेश्चन है उसको भी इंक्लूड करके, तो टोटल 50 क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आने वाले हैं आपके, मतलब जिस तरीके से आने वाले हैं, तो 18 को आपका टेस्ट, उससे पहले 18 आपका इस फ्राइडे भी टेस्ट होगा, तो बैक टू बैक ये दोनों क्लासेस, कल आपकी जो है वो केमिस्ट्री की क्लास है। राइट, इसी तरीके से क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, टॉपिक बाद में डिस्कस करते रहेंगे अपन, जिन लोगों का एग्जाम है अभी जल्दी, शायद उनके लिए इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता है पढ़ने के लिए,
तो वील ट्राई, ठीक है? और डरना नहीं है, एग्जाम्स तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आप उसको थोड़ा सा जितना कॉन्फिडेंस होके दोगे उतना अच्छे से होगा पेपर, ठीक है? बस ये है कि तब तक आप पढ़ते रहिए, फोकस बना के रखिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए, आपके पास रिवाइज करने के लिए कोई कमी नहीं है। डे वन से लेके अभी तक आप रिवाइज करिए, चीजें थोड़ी सी अच्छी जाएंगी। और देखिए, पढ़ाई ऐसे करो कि आपके 50 में से कम जीके में जनरल अवेयरनेस जो है आपका सेक्शन, उसमें 35 तो आपको लाने ही लाने हैं। अगर आपके 30 से कम मार्क्स बने तो विल नॉट बी देयर इन द मेरिट। एक चीज बहुत ही क्लियरली मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट टाइम की जो कट ऑफ है ना आरपीएफ की, वो शायद 28 या 26 है। इस बार वैकेंसीज भी बड़ी हैं, इस बार आपके नंबर ऑफ फॉर्म्स जो फेल हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली 30 से ऊपर जाएगी कट ऑफ। तो अगर आपके 30 से बिल्कुल भी जीके में कम आ रहे हैं ना, तो आप जान के रखिए कि बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। आप फिर उसमें कवर करना, रीजनिंग और मैथ्स में कवर करने के बाद भी आपको जो है ना जीके में लेके आने हैं, तो प्लीज ऐसे पढ़ना है कि 35 तक आप टारगेट करो, 35 से 40 टारगेट करो, तब आपके 32-33 आएंगे। चीजों को रिवाइज करते रहिए, कोई दिक्कत रहेगा तो प्लीज करके कमेंट्स में लिखिए। कल आपका ट्यूजडे है कल, और केमिस्ट्री की क्लास करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, रिवाइज करिए, पीडीएफ आपका अभी तुरंत ही अपलोड हो जाएगा विद इन हाफ एन आवर, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।